भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के तत्वावधान से नई शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसके उपलक्ष्य में पिछले 3 सालों में इस शिक्षा नीति को सफल बनाने में किए गए प्रयासों का ब्यौरा IITN के डॉ. मयूर पराते ने आयोजित पत्रकार परिषद में दिया। गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति के तहत भारतीय शिक्षा को मजबूत और रोजगारदायी बनाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके विषय में जानकारी देते हुए डॉक्टर मयूर परात ने बताया कि NEP के तहत इस शिक्षा नीति का महत्व समझाने के उद्देश्य से IITN द्वारा NEP कॉन्क्लेव 2021 NEP वेबिनार श्रृंखला 2022 का आयोजन किया गया था। साथ ही साथ NEP द्वारा नियोजित मापदंडों के विषय में बताते हुए उन्होंने 2020 के क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षार्थी हेतु चयन किए गए MOOCs और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आदि प्रयासों के विषय में जानकारी दी। बहरहाल 2023 महू मध्य प्रदेश में MCT एवं अतिरिक्त 25 शिक्षार्थियों ने MTech के अगले वर्ष में प्रवेश लिया है। ऐसे छात्रों को इस शिक्षा नीति का सकारात्मक उपयोग होने वाला है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मयूर पराते, IIIT नागपुर से आपका स्वागत करता हूँ। NEP 2020 की ये तीसरी वर्षगांठ है। इस दौरान IIIT नागपुर ने जितने भी कार्य इस NEP को आगे बढ़ाने के लिए, इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए किए हैं, उसका ब्यौरा मैं देना चाहता हूँ। हमने क्रेडिट ट्रांसफर स्कीम शुरू की है, जिसमें ऑनलाइन NPTEL या MOOC कोर्सेज को हम क्रेडिट अडॉप्ट करते हैं। IIIT नागपुर ने डिजी लॉकर पे अपने ग्रेड कार्ड्स और डिग्री सर्टिफिकेट्स बच्चों को इजीली अवेलेबल होने के लिए अवेलेबल कराए गए। हमने रीजनल इंस्टीट्यूट, अपने हमारे रीजन के जो दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए वहाँ के बच्चे हमारे सेमेस्टर में अडॉप्ट करके उनको क्रेडिट ट्रांसफर की योजनाएँ शुरू की हैं। मल्टी एंट्री मल्टी एक्सिट NEP का एक महत्वपूर्ण फीचर है, उसको इन्हांस करने के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव MTech प्रोग्राम्स में मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट का प्रावधान किया है। उसके साथ साथ हमारे MTech प्रोग्राम्स जो कि ICT बहु के लिए हम पढ़ाते हैं उसमें भी मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट का प्रावधान है। इसके साथ साथ स्पेशलाइज ट्रेनिंग और स्पेशलाइज स्किल को इन्हांस करने के लिए स्पेशलाइज BTech कोर्सेस हमने लास्ट ईयर 2022 से लॉन्च किए हैं, जिसमें CSE और ECE मिला के 4 नए कोर्सेज स्पेशलाइज कोर्स ने लॉन्च किए हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे सेमिनार्स वेबिनार्स ऑनलाइन कॉन्क्लेव्स ये हमने IPR से लेके NEP एंटरप्रेन्योरशिप इन सारी चीज़ों को इन्हांस करने के लिए ऑर्गेनाइज किए। इसके साथ साथ IIIT नागपुर के करिकुलम में हमने संस्कृत इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स सोशल साइंस इन जैसे सब्जेक्ट्स का भी इंक्लूजन किया है, जिससे NEP का जो मूलभूत मंत्र है वो साकार हो पाए। धन्यवाद। अब देखना रोचक रहेगा कि भारतीय शिक्षा NEP क्या नई क्रांति लाता है, जिसे भारत के युवाओं को रोजगार हासिल करने में बौद्धिक सहायता प्राप्त होगी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ मनीष टेमरे, BCN न्यूज नागपुर।